नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। आपको तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से यहाँ पर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार तीसरे दिन भी बुधवार को भी लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने कांग्रेस नेता को एक बार फिर से गुरुवार को बुलाया था, लेकिन उन्होंने आने में यहाँ पर असमर्थता जताते हुए एक दिन की छूट मांगी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनसे शुक्रवार को आने को कहा। तीसरे दिन राहुल से इस अखबार पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनियां यंग इंडिया के दिनों में यहाँ पर उनकी भूमिका से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से सवाल जवाब जो है तलब किए जाएंगे। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष में मंत्रियों पर अधूरे होमवर्क के साथ सदन में आने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब विधानसभा के सदस्यों ने मंत्री से समाज कल्याण और साथ ही परिवहन से जुड़े सवाल पूछे तो विभागीय मंत्री जवाब नहीं दे पाए, जिस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के मंत्री अभी भी जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर उनकी तरफ से सदन में अधूरे होमवर्क को लेकर ही वो उतर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ भेजी गई, एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद था, उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने चारधाम में इस तरह से कूड़े का ढेर था, कचरे का ढेर था, प्लास्टिक की पूरी बोतल और तमाम विभिन्न प्रकार की जो सामग्री सड़कों में बिखरे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लगातार विस्तार से बखान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लगातार जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री कैलाश पंत ने बैठक कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मोदी सरकार को सफल सरकार बताते हुए केंद्र सरकार को उपलब्धियों की जानकारी दी और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की भी बात कही है। जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सुशासन के रूप में मना रही है। उसी के तहत रानीखेत में जो है युवा मोर्चा के माध्यम से मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है, जिससे लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने युवाओं के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, बेरोजगारों के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि वो लोन लेकर जिसमें किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं है उसमें अपने कारोबार को शुरू करें, कहीं पढ़ाई के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरे देश में एक ऐसा वातावरण मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए बना है, जिससे देश एक खुशहाल और एक समृद्ध। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पेट्रोल और साथ ही डीजल की किल्लत को लेकर सरकार ने कहा है कि यहाँ पर निजी कंपनियों की ओर से कटौती करने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के यहाँ पर तेल कंपनियों PSU से जुड़े पेट्रोल पंप पर दबाव बढ़ा है। इस कारण कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की यहाँ पर कमी को जो है देखा गया। तेल मंत्रालय का यहाँ पर कहना है कि अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर सवाल खड़ा होने लगा था और लोग भी परेशान होने लगे थे। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने सिडकुल क्षेत्र के यहां पर एक गांव से 4 युवकों को देर रात चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवकों के पास से चोरी में यहां पर जो है प्रयुक्त होने वाले कुछ हथियार भी बरामद किए। चारों आरोपी मूल रूप से मंगलूर कोतवाली के मोहम्मदपुर जट गांव के रहने वाले हैं। मेडिकल जांच के बाद चारों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि आपस सिडकुल की एक बड़ी कंपनी के पास झुग्गी झोपड़ी के पीछे कुछ युवक चोरी की योजना बना रहे हैं और सूचना पाकर पुलिस ने दबिश दी और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया।
और चले बात रुद्रपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इंटार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर और साथ ही किछवा में कार्यरत मजदूरों के बच्चे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं मजदूरों और साथ ही किसानों और साथ ही बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर श्रम भवन रुद्रपुर पहुंची। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जोशो खरोश के साथ यहाँ पर बाल पंचायत की और साथ ही बाल पंचायत को संबोधित करते हुए बच्चों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से यहाँ पर 30 मई को इंटार्क कंपनी के यहाँ पर तालाबंदी को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। जून 2022 को भी यहाँ पर उस पूरे मामले को लेकर ही कुमाऊं कमिश्नर ने यहाँ पर बच्चों को वचन दिया था कि यहाँ पर 2 दिन में सभी मजदूरों को 3 महीने का पूरा वेतन भुगतान कराया जाएगा और कंपनी के यहाँ पर तालाबंदी को भी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बैठे हैं बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है और एडमिशन तक नहीं हुए बच्चों के, तो इसलिए यहाँ बैठना बच्चों का तो जरूरी था। वो बच्चे बैठ रहे हैं और बच्चों को पिछले हमें लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है और बच्चों का पालन पोषण नहीं ढंग से हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ बच्चे बैठे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक शासन को आदेश दिया था कि आप तालाबंदी वैध है या अवैध है इसके संबंध में निर्णय लें, जिसके संबंध में शासन द्वारा निर्णय ले लिया गया है और तालाबंदी को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो तालाबंदी अवैध घोषित होने के बाद ये मान लिया जाता है कि ये वर्कर आज की तिथि में फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, तो उन परिस्थितियों में उनका वेतन दिलाने के लिए हमारे पास में इंडस्ट्रियल फीस टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1978 है, जिसके तहत ये लोग हमको क्लेम देते हैं कि साहब हमारी 2.5 महीने की या 3 महीने की तनख्वाह है, इसको आप दिलवाइए हमको। और अतिक्रमण से घिरे 15 तालाबों को यहाँ पर मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अफसर गंभीर हो गए हैं और SDM ने यहाँ पर जल ही तालाबों को खोदकर जल संरक्षण के भी निर्देश दिए। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जल ही तालाबों को अतिक्रमण मुक्त के दिया जाएगा और SDM तुषार सैनी ने बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तालाबों को जो है पुनर्जीवित किया जा रहा है और यहाँ पर 47 तालाब चिन्हित किए गए। कुछ तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर पाने को लेकर यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है और करीब 15 तालाब ऐसे बचे हैं, इन तालाब जो है तालाबों को लेकर अब कदम उठाने के भी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। और चलिए बात रुड़की की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर वायरल ऑडियो के जरिए मेयर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है या फिर वाकई में सच्चाई है, आपको बता दें इसका खुलासा हुआ है। कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी अब रुड़की में यहाँ पर कुछ महीने पहले वायरल हुए एक ऑडियो के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि आवाज जो है वो मेयर गौरव गोयल की है और वो किसी व्यक्ति से 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मामला इतना बढ़ा था ऑडियो की यहाँ पर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भी भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर कुछ दिन पहले आ गई थी और जो कि मीडिया में भी लीक हो गई थी। मेयर गौरव गोयल ने जो है अपनी आवाज पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। देखिए, आज से 3 महीने पहले मेरी मिमिक्री करा करके किसी से कोई ऑडियो वायरल की गई थी। उस ऑडियो के अंदर 15 से 20 कटिंग करके जोड़ी गई थी मिमिक्री करा कर छोटी छोटी, और उसके लिए मैंने पुलिस को स्वयं कहा कि मेरी वॉइस सैंपलिंग लेकर के आप इसके सैंपल चेक कराइए। जो सैंपल चेक हुए हैं और मेरी जानकारी अनुसार उनकी रिपोर्ट है कि संभवती मिलती जुलती आवाज़ है। निश्चित रूप से मैं पुलिस पर चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल निष्पक्षता से जाँच होगी, मुझे ऐसी पूर्ण विश्वास है पुलिस पर। रुड़की के करौंदी ग्राम स्थित आर्मी से रिटायर्ड पूर्व सैनिक की तरफ से संचालित अचीव्स स्पोर्ट्स एकेडमी में यहाँ पर साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मदनहरी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और साथ ही सचिव स्पोर्ट्स एकेडमी के निदेशक पूर्व सैनिक राजकुमार सिंधु की तरफ से फीता काटकर किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में बुधवार से जिम्स स्पोर्ट्स एकेडमी में यहाँ पर 15 से 20 जून तक साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
कालाडूंगी तहसील सभागार में जनपद नैनीताल लेखपाल संघ की बैठक में लेखपालों ने ऐलान कर दिया है कि यहां पर उनके कार्य क्षेत्र से अतिरिक्त सर्किल क्षेत्र को हटाया जाए। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जनपद नैनीताल के लेखपाल संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक तहसील कालाडूंगी में जैसा कि आप देख रहे हैं अभी गतिमान है। तो इसमें राज्य गठन के बाद से ही एक तो हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, लेकिन 2000 से लेकर अब तक 2022 तक लगातार जो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा है तो उसका प्रभाव हमारे लेखपालों पर पड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 20 सालों से प्रत्येक लेखपाल अपने मूल क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों पर भी काम कर रहा है। कांग्रेस से ऐसे विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जबरदस्त हार को लेकर पार्टी और साथी जन संकल्प कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित कर मिली हार पर मंथन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन करेगी, जिसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है। और साथ ही जो है अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस से ऐसे विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने जो भी जनादेश उन्हें दिया है वो उनको स्वीकार। हमारे विधायक दल के नेता और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय इंद्रपाल आर्य जी और ये अपनी जनहित की बात रखेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं जिसमें जनता के हित के लिए कार्य होते हैं वो पूरे रखेंगे। विपक्ष पूरा इसमें जनता के हित काम करेगा। और जो रहा सवाल सरकार का, सरकार इसकी उसमें काम करेगी मुझे विश्वास है। भीषण गर्मी और साथ ही लू की चपेट में आने से डायरिया और साथ ही बुखार पीड़ितों की संख्या भी अब लगातार बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों की अब भीड़ देखी जा रही है। ओपीडी में मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 350 के पार पहुंच गई है, और जबकि पिछले दिनों में ओपीडी में करीब 200 मरीजों की संख्या देखी जा रही थी। ओपीडी का पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों को भी अब दिखाने तक मरीजों को घंटों भीषण गर्मी में लंबी लाइनें लगाकर इंतजार करना पड़ रहा है। जी देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 40 डिग्री के आसपास तापमान है। तो ऐसे में सबसे पहले मेरा सभी को यही सजेशन है, सही एडवाइस है कि गर्मी में बहुत तेज़ धूप में पहले कोशिश करें कि आम जनमानस खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं वो बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि अगर काम कोई ऐसा धूप में काम है तो सुबह सुबह या शाम के टाइम उस काम को करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो पानी की कमी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। सॉल्ट भी आपका जो है पसीने के रूप में जो है बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, तो ऐसे में फेंट होने की या चक्कर आके गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, और साथ ही कोरोना काल में 2 साल बाद शुरू होने वाली श्रावण मास के यहाँ पर कांवड़ यात्रा इस बार पुलिस और साथ ही जिला प्रशासन का इम्तिहान। स्नान पर्व और साथ ही वीकेंड पर ही यहाँ पर हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे हाईवे से लेकर बाजारों में जाम लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी से तैयारियां करना शुरू कर दिया गया है। दावे धरातल पर कितने साधकार होंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क बनाए जाने से पहले क्षेत्र के पार्षद और साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए काम किया जा रहा था। देर रात पीडब्ल्यूडी की तरफ से राजपुरा की वार्ड नंबर 12 में आकर सड़क ठीक करने को लेकर काम किया जा रहा था, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद और राधा आर्य और साथ ही नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रमी जोशी ने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचकर अधिशासी अभिनेता का घेराव किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद राधा आर्य और साथी नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने यहाँ पर कहा है पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क को ठीक तरीके से नहीं खोदा जा रहा था। कहना यह था दो सड़के पास हुई है ना हमारी, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड गली के लोगों का कहना है कि अगर वो सड़क बहुत मतलब उसमें बहुत गड्ढे हैं, उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती खुद के दोबारा से अच्छे से हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। नहीं कुछ ऐसा विवाद नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 326/2021 में ये स्वीकृत हुई है, टेंडर इसमें प्रोसेस हो चुका है और शीघ्र ही इन गलियों को बना दिया जाएगा।
तो सर उनका कहना है कि जो गली ठीक है उसको न बना के दूसरी गली को बनाया जा रहा था। हाँ ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे और उनके एडजेसेंट जो गलियां हैं उनकी स्थिति को देखते हुए उसी पर कार्रवाई कर ली जाएगी। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको तो देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम गुरमीत सिंह ने जनपद अल्मोड़ा की विश्व प्रसिद्ध धाम श्री जागेश्वर सिंह के गोलू मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेशवासियों के लिए यहाँ पर जो है सुख शांति के लिए भी प्रार्थना की है और सबसे पहले उन्होंने ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके दौरान महंत गिरीश भट्ट ने उन्हें पूजा पाठ करवाई और साथ ही बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने भी महामृत्युंजय मंत्र और साथ ही शिव के अन्य मंत्रों का भी उच्चारण किया। भारत की सभ्यता, संस्कृति और जो हमारी आस्था का केंद्र इंदौर है वो अपने आप में ही यहाँ पर उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। विश्व के हर एक इंसान को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शिव जी का, अगर आपने देवी देवताओं का वास और उनका जो आशीर्वाद देखना है, उसका अनुभव करना है, आत्मिक स्तर पर अनुभव करना है, तो उत्तराखंड में आइए और देखिए कितना पवित्र समय है। चार धाम चल रही है, 20 लाख 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं। हमारी सरकार, हम सब मिलकर इस चीज़ को बनाएंगे। और चलिए बात निषादपुर थाना क्षेत्र की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इलाके में रहने वाले 12वीं और साथ ही 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो सगी बहनों ने मंगलवार को काम को लेकर हुए आपसी विवाद के बाद जहर खा लिया था और जिससे कि बड़ी बहन की मौत हो गई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि छोटी बहन की जो है अभी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहर खाने से पूर्व बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोनों बहनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी पूरे झगड़े को लेकर ये सामने निकल कर आया कि यहाँ पर शिवानी वर्मा दोनों सगी बहनें और साथ ही मंगलवार को करीब 3 बजे घर में दोनों बहनें अकेली थी जिस वक्त उसने जहर खाया था। और राजधानी के चिट्ठी नगर इलाके में एक महिला ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी और इस पर आरोपी के परिजनों ने यहाँ पर उसे कार से अगवा कर बंधक बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की। उस पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है और इसे परेशान महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहाँ पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जो पीड़िता है उसके द्वारा जहर खाया गया था और कारण मारपीट होना बताया था। जानकारी प्राप्त करने पर पूरा मामला ये सामने आया है कि जो पीड़िता है एक 65 वर्षीय व्यक्ति के यहाँ कार्य करती थी और उसके परिजनों द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का कारण जानने का प्रयास किया गया, उसमें यह आया सामने कि एक 376 का दुष्कर्म का रिपोर्ट भी महिला द्वारा की गई है आरोपी के विरुद्ध। और इसके ये बात संज्ञान में आने पर जो आरोपी के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है, ये अभी प्रथम सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस द्वारा मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। और कहा जाता है कि पहले के यहाँ पर जमाने में हर गांव में अपना एक प्रधान या फिर मुखिया होता था जो अपनी हर समस्या अपने गांव में ही यहाँ पर मुखिया की तरफ से समस्या का समाधान कर दिया जाता था और गांव में एकता बनी रहती थी। ऐसे ही यहाँ पर कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर निर्विरोध चुने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उमरिया जिले के पाली जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 44 पंचायत हैं जिसमें से 2 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें चोरी और चाटी यहाँ पर छोटी की हैं जहाँ पर आज भी एकता की मिसाल देखी जा रही है। अवधेश सिंह पूर्व सरपंच मेरे घर आए, बोले साहब इस बार जो है कुछ भी हो जाए लेकिन जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो हम निर्विरोध पंचायतों को जिस तरह से पुरस्कृत किया जाता है तो बोले उसका श्रेय हम भी लेना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं इस बार जो भी हो जाए हम जो है बैठ करके निर्विरोध चुनाव करवाएंगे। पंचायत निर्वाचन 2022-23 अंतर्गत जनपद
पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम चौरी और तुम्मी छोट जो है निर्विरोध चुने गए हैं, जिस तारतम्य में ग्राम चौरी के सभी पंच एवं सरपंच महोदय श्री द्वारिका सिंह जी हैं, सभी उपस्थित हुए हैं। आज सभी को जो है नियम 47 के अंतर्गत पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के प्रारूप 24 में सभी को प्रमाण पत्र दिया गया है, और के जो पंचायत अभी नहीं आई है जैसे आती है उनको भी प्रदाय किया जाएगा। और चलिए बात मध्य प्रदेश के सिवनी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और साथ ही नगर पालिका पंचायत चुनाव में घमासान मचा हुआ है, और वहीं सिवनी गुरु नानक वार्ड में जुनैद सानी बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर गले की फांस बनते जा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव में गुरु नानक वार्ड से पार्षद पद के प्रत्याशी जुनैद सानी को अब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब जुनैद घड़ी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे, और वहीं बैठक में जुनैद सानी ने यहाँ पर कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के नेताओं पर गरजे और कहा है कि 15 साल से कोई भी विकास का काम उनके इलाके में नहीं हुआ। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।